सब्सक्राइब कीजिए फुटबॉल जेट के यूट्यूब चैनल को, साथ में ही बेल आइकन दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपने फुटबॉल जेट के यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है जहीर। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा जो हमारी किचन होती है, किचन का डिज़ाइन, मॉडलर किचन जो बनाते हैं, तो उसमें मैं अच्छा डिज़ाइन दिखाऊंगा आपको इस वीडियो में। और उसमें पेंट्री का भी है और अपना जो हमारा लैपटॉप होता है उसका भी इसमें डिज़ाइन है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरी वीडियो देखें लास्ट तक, आपको पता चलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिसमें कि आने वाली वीडियो में नोटिस आपको मिलती रहे। तो दोस्तों वीडियो में चलते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, अगर आपको जैसे हमारी किचन का जो डिज़ाइन है वो किस तरीके से बनाना है आपको, मैं पहले नीचे से दिखा देता हूँ आपको। ये अपने सिंक के नीचे ओपन जगह छोड़ सकते हैं, इसमें अभी कुछ हमारा सामान है अभी पड़ा है थोड़ा बहुत, और इसमें जो हाइड्रोलिक कब्जे लगे हुए हैं, और ये अपना डस्टबिन के लिए, अगर आपको डस्टबिन बनाना है तो इस तरीके से बना सकते हैं। अपना इसमें डोर्स में लगता है ये डस्टबिन, तो ये 10 इंची का डस्टबिन है। तो आपके जो सिंक के नीचे जैसा जगह बचती है तो उस तरीके से बना सकते हैं। बाकी इस इधर अपना यह है जो हमारा टेंडर बॉक्स है, टेंडर बॉक्स आप लगा सकते हैं इसमें, जो हमारा साइज़ होता है जैसे बड़े बर्तन रखने के लिए जगह आपको किस तरीके से रखनी होती है, तो इसका जो हाइट है 14 इंची के हिसाब से आप हाइट दे सकते हैं। नीचे यहाँ पे लाइट लगेगी, इसके नीचे एलईडी लाइट, तो ये अपना 14 इंची हाइट में मत्थे दे सकते हैं, और बड़े सामान के लिए आप इस तरीके से बना सकते हैं इसमें। ये हमारा क्यूवा कंपनी का है, आप दे सकते हैं। और इधर अपना कॉर्नर अगर आपको बनाना है तो इसमें जैसे सिलेंडर के लिए जगह इसमें इस तरीके से बना रखी है अभी किचन में काम है, कि नीचे जो इसकी हाइट है, हाइट में सिलेंडर नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, सिलेंडर के लिए आप जगह देख सकते हैं। तो इसके बाद अपना जैसे यहाँ पे हमारा गैस चूल्हा आएगा, चिमनी यहाँ पे आएगी, चिमनी के हिसाब से आप कटलरी इसके नीचे बना सकते हैं। कटलरी आपको जो रखनी है तो नीचे रखनी है, इसकी जो हाइट देते हैं हम मत्थे की तो 7 इंची, इस हिसाब से बना सकते हैं। और ये जैसे आटे के लिए बड़ा बास्केट बना सकते हैं, आटे की जो हमारी ट्रॉली होती है तो उसके लिए आप यहाँ पर रख सकते हैं, नीचे ही होता है इसका जो अपनी बास्केट बनती है। और ये हमारा खाली जगह आप दे सकते हैं, अगर आपको कोई सामान ऐसे रखना है जैसे बड़ा सामान रखना है तो उसके हिसाब से खाली जगह बना सकते हैं अपने, तो इसमें अपना लगा सकते हैं। ये है एस कॉर्नर, अगर आपको एस कॉर्नर बनाना है तो ये साइड में जो जगह बनाई जाती है तो इसमें जैसे आपको ये जगह छोड़नी होती है तो ये इसका साइज़ छोड़ा जाता है 19 इंची, इस तरीके से बना सकते हैं। एस कॉर्नर अगर आपको लगाना है तो 19 इंची जगह छोड़ सकते हैं, जिसमें कि हमारा एस कॉर्नर खोलने के बाद जो हमारा ये कहीं पर भी अड़ना नहीं चाहिए, कहीं पर भी लगना नहीं चाहिए, देख सकते हैं आप इस तरीके से आपको बनाना होता। और ये भी हमारा सॉफ्ट क्लोज होता है, ये देख सकते हैं ये सॉफ्ट क्लोज होता है, और ये 2 रैक्स वाला है, इसमें लेफ़्ट राइट आते हैं। अगर आपको जैसे राइट में लगाना, राइट का लगाता है, लेफ्ट का आता है उसमें, तो इस हिसाब से अपना देख सकते हैं। ये सॉफ्ट क्लोज है, अगर आपको बनाना है तो इस तरीके से ले सकते हैं अपना। और इसकी जो गहराई रखी जाती है 41 इंची, जो हमारा साइज़ इसकी इस तरीके से जो अंदर तक गहराई है 41 इंची, और ये अपना इसके लेवल से लिया जाता है, फ्रंट जो होता है हमारा उसी के लेवल से बनाया जाता है। इसमें जो गहराई होती है बास्केट की जो हमारी 20 इंची होती है उसके हिसाब से 21 इंची जगह छोड़ी जाती है। ये हमारी जो प्लेन बास्केट है गिलास के लिए, इसमें जो हमारा गिलास रखने के लिए आप इसको बाहर से जो मत्था देना आपको 7 इंची, इस तरीके से बनाना। और इसमें जो हमारे ये जो साइज़ होते हैं स्टैंडर्ड साइज़, इसमें आपको बाहर से जो साइज़ बनाने होते हैं यहाँ से साइज़ हमारे नापा जाता है, जिसमें कि 4.5 इंची हमारे अंदर बोर्ड आ जाते हैं, 600 mm, 700 mm, इस तरीके से साइज़ रखे जाते हैं। छोटा सा साइज़ होता है 450 mm, इस तरीके से साइज़ रखने होते हैं टेंडर बॉक्स में, जो हमारे स्टैंडर्ड साइज़ होते हैं। उसके बाद अपना ये बना सकते हैं, ये हमारा 8 इंची है, और ये जो हमारा आता है तो इसमें जो हमारे साइज़ छोड़े जाते हैं 7 इंची, 8 इंची, और ये अपना 13 इंची, जो हमारे 3 साइज़ बन जाते हैं इस तरीके से बनाने हैं आपको। यहाँ पर दीवार थी, दीवार बंद करने के लिए ये जगह, यहाँ का हमारा पत्थर हट गया है, ये पत्थर था ये देख सकते हैं आप, इधर है ये छूट गया था, तो इस वजह से ये पत्थर यहाँ से हटा हुआ है, ये लगेगा भी पत्थर। बाकी इसकी फिनिशिंग आप दे सकते हैं। ये हमारा पेंट्री यूनिट है, अगर आपको पेंट्री यूनिट बनाना है 6 लेयर वाला, इस तरीके से अपना दे सकते हैं। ये देख सकते हैं अपना जो हमारा बनाया जाता है पेंट्री यूनिट, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो ये पेंट्री यूनिट है, और हमारा जैसे इसका साइज़ रखा जाता है, साइज़ के बारे में बता दूँगा आपको, अगर आपको जैसे बनाना है इसका तो कितना साइज़ रखना चाहिए। सिंगल डोर्स की जो पेंट्री यूनिट होती है हमारी, ये जो हमारा साइज़ होता है 18 इंची आप रख सकते हैं इसको स्टैंडर्ड साइज़, इसमें 2-2 इंची हमारा एक्स्ट्रा साइज़, 17.5 भी रख सकते हो आप, 17.5 भी बनती है, तो उसके हिसाब से आपका ये अड़ना नहीं चाहिए डोर्स में, जो हमारी पेंट्री रखती है जैसे इसमें जो हमारे सेल्फ रखते हैं ये अड़ने नहीं चाहिए, ये इस तरीके से बंद हो जाना चाहिए। तो इसमें ये अपना सॉफ्ट क्लोज होता है ये भी, और इसका जो साइज़ बाहर से बाहर आ जाता है आपका
तो ये देख सकते हैं 20 इंची, इससे ज़्यादा साइज़ नहीं रखना आपको। सिंगल डोर्स की जो पैंट्री यूनिट बनाना है आपको, तो इसमें आपको 20 इंची साइज़ रखना होता है चौड़ाई में। और इसकी जो हाइट होती है, नीचे से हमारी फर्श है यहाँ से नापी जाती है, उसके बाद हमारी जो इसकी हाइट होती है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं 7.5 फीट। तो 7 फीट या 7.5 फीट अगर आपके बॉक्स जो होते हैं तो उसके हिसाब से अपना साइज़ रख सकते हैं। जैसे आपके 24 इंच से ऊपर हैं तो बढ़ानी पड़ेगी आपको हाइट, इसमें एडजस्ट लेबल हो जाता है। ये जो होता है हमारा एडजस्ट लेबल हो जाता है ये इस यहाँ से, इसमें साइज़ कम बढ़ती हो जाती है, इस तरीके से बना सकते हैं। और ये हमारा इसके बाद माइक्रो ओवन का जो साइज़ रखना है आपको, माइक्रो ओवन का तो अपना साइज़ उस हिसाब से रखना है आपको, जो साइज़ होना चाहिए स्टैंडर्ड साइज़ 18 इंची हाइट में होता है वैसे ये जो होता है हमारे साइज़ के। तो इसका तो 480 या 85 mm के आसपास होता है, और ये हमारा 560 mm होता है, इस तरीके से आपको रखने होते हैं। ये अपने हाइड्रोलिक डोर्स लगा सकते हैं ऊपर, अगर आपको हाइड्रोलिक डोर्स या पल्ला बनाना है तो इसके ऊपर जैसे सामान रखने के लिए। और ये अपने इस तरीके से सेल्फ दे सकते हैं, इसमें गिलास वाले सेल्फ लगा सकते हैं अगर आपको जैसे गिलास के लगाने हैं, तो इसमें अपने किचन के हिसाब से आप बना सकते हैं। और ये अपना कॉर्नर में यहाँ पर भी सेल्फ लगेगा, सेल्फ लगा सकते हैं इसमें। और ये हमारा जो ये वाला पल्ला है, इसमें आपने देख सकते हैं यहाँ पे गिलास लगेगा, गिलास के ऊपर से जो हमारा रोज़ गोल्ड की तरह जो अपना डिज़ाइन में होते हैं उस तरीके से गिलास लगेगा, इसमें भी ऐसे लगेगा, ये अपने उस तरीके से बना सकते हैं। और ये अपने इसमें भी हमारा सेल्फ में जो बीच में पार्टीशन दे रखा, ये आपको जो साइज़ है, जैसे आपका ये बॉक्स जो बनाया जाता है 2.5 फुट हाइट में बनाया जाता है, जो हमारा ऊपर से होता है नीचे तक, यहाँ से जो आपको फर्श से छोड़ना, तो ये अपना साइज़ छोड़ा जाता है 2.25 फुट या 2 फुट के ऊपर ही बनाई जाती है। और इसकी जो गहराई रखनी है आपको, इसमें गहराई आपको रखनी है 12 इंची, जो ऊपर का ऊपर के बॉक्स होते हैं। ये लिफ्टअप है, अपना देख सकते हैं लिफ्टअप, अगर आपको लिफ्टअप बनाना है तो इस तरीके से लगाना है आपको लिफ्टअप, सिंगल डोर्स का, डबल डोर्स का बनाना, सिंगल का बनाना। सिंगल वाला मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊँगा किचन की में, अगर आपको लगाना है उसमें, उसमें आइनॉक्स का आएगा। और ये अपना लिफ्टअप इस तरीके से लगता है, और ये अपना नीचे है जो हमारे बर्तन होते हैं, जो कटोरी होती है वो नीचे रखे जाते हैं, प्लेट वाला ऊपर लगता है। अगर आपको GTV लगानी है अपने, ये डिश रैक लगाना, इस तरीके से ये लगाया जाता है। ये अपना जैसे आपको इसमें एको गार्ड लगाना, उसके लिए जगह नीचे तक अपना पानी गिरने के लिए नीचे तक छोड़ी जाती है, इसमें अपना इस साइड यहाँ पर लग जाएगा, इस साइड लगाना आपको, जिस साइड भी लगाना आप इस तरीके से लगा सकते हैं, तो खाली छोड़ सकते हैं अपना। तो इसमें ये हमारे जो बॉक्स हैं किचन के, इसकी जो हाइट है 2.5 फुट, इस तरीके से बना सकते हैं। ये हमारा पैंट्री यूनिट का आपको मैंने साइज़ बताया, इस किचन का जो साइज़ है यू शेप में है ये किचन, तो इस तरीके से हमारी जो ये किचन है 8 फिट 7 फिट इस तरीके से ले सकते हैं, और अपना 5 फिट यू शेप में इस तरीके से बना सकते हैं। ये हमारे यहाँ पर जो आप बोर्ड देख रहे हैं, यहाँ पर गिलास लगेगा, तो आपको जो बनाना है इस तरीके से किचन बनाना है। किचन का जो हमारा प्राइस आ जाता है, किचन आपको अगर बनानी होती है तो 1500 रुपये स्क्वायर फीट, अगर आपको इस तरीके की बास्केट लेनी होती है। ये इसमें जी प्रोफाइल हैंडल हैं, देख सकते हैं अपना, तो इसमें हमारा 1500 रुपये स्क्वायर फीट, जिसमें कि आपका माल भी, मटेरियल और अपना लेबर सारा कुछ मिला के इस रेंज में आपकी किचन बन जाती है। इस कंपनी की अगर आपको क्यूबा कंपनी की बास्केट लगवानी है तो आप ले सकते हैं, आसानी से बनवा सकते हैं। अपने डोर्स बढ़ा के आप हैंडल बना सकते हैं, इस तरीके से देख सकते हैं नीचे से, ये हमने बढ़ा रखे हैं डोर्स। तो इसमें जो आपको बढ़ाने हैं, एक इंची साइज बढ़ाना आपको, तो बना इसका हाइट भी बढ़ाना नीचे निकाल के, ये देख सकते हैं अपना, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो उसके हिसाब से 1 इंची या 1.25 इंची जो भी अपना साइज आपको ज्यादा नहीं निकालना तो उसके हिसाब से निकाल सकते हैं। तो बिना हैंडल के भी बना सकते हैं, इसी में अपने हैंडल बन जाते हैं किचन। इसमें हमारा ऊपर ये दिक्कत कर देखो, तो इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है और आपका इस तरीके से बन जाता है। तो अपना किचन का डिज़ाइन देख सकते हैं, अगर आपको जैसे लेटेस्ट डिज़ाइन बनाना है तो इस तरीके से बना सकते हैं। और अपना इसमें जो कंपनी का जो लैमिनेट लगाना है तो सम्राट कंपनी का लगा सकते हैं, ऊपर लाइट नीचे डार्क, इस तरीके से कलर लगते हैं किचन में। अगर आपको किचन बनानी होती है तो लेटेस्ट किचन इसी हिसाब से बनाई जाती है। कोल्सिन का डिज़ाइन देख सकते हैं अपना, और आपको जो बनाना है तो किचन अपना डिज़ाइन में अच्छा होना चाहिए। चिमली की जो जगह छोड़नी है आपको, चिमली जितनी बड़ी लगानी है आपको, अपने चूल्हे के हिसाब से आप अपने हिसाब से चिमली का साइज़ छोड़ सकते हैं, 24 इंची या अपना 30 इंची या 3 फुट 36 इंची। तो इसमें जो हमारे साइज़ आते हैं, जिस तरीके से आते हैं, आपको जो साइज़ छोड़ा जाता है 600 mm 700 mm 800 900 mm, इस तरीके के साइज़ छोड़े जाते हैं चिमली के, इस तरीके से बना सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें कि आने वाली वीडियो में आपको मिलते रहते हैं। अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहते हैं, इससे अच्छी वीडियो फिर लेकर आते हैं आपके लिए। अपना रखिए ख्याल। थैंक यू फ्रेंड।